किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक नींबू के पौधे लगाए हैं, मैंने उसकी देखभाल के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसका नंबर था 165, जिसका के ऊपर लिंक भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब इन पौधों को लगाए हुए लगभग 4 से 6 महीने हो चुके हैं और फरवरी के सप्ताह में आपको इनमें खाद देना शुरू करना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो छोटे पौधे हैं उनमें आपको नमी बनाकर रखनी है, पानी नहीं देना है, नमी बनाकर रखनी है और जड़ से दूर रखनी है। आप देखिए जिस प्रकार मेरी ये ड्रिप पड़ी हुई है, ये इनलाइन ड्रिप है, कितनी दूर है। और ये पौधा देखिए, ये मैंने अगस्त के एंड में लगाया था, ये NRCC 7 का पौधा है। ऑफ कोर्स इसमें एक यह है सूट है जो मैं काट दूंगा, अभी मैंने ध्यान दिया है कि ये सूट है, इसको काट दूंगा। वैसे आप देखिए कि कितना अच्छा पौधा चल रहा है और इसमें नीचे से मैंने थोड़ी कटिंग भी करती थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पौधों में अगले 5-6 माह में आपको क्या कार्य करना है। किसान साथियों, ये देखिए मैंने इसके आसपास थोड़ी गुड़ाई कराई हुई है। अगर आप मेरे पूरे खेत में देखें, इस तरफ को देखिए, तो आपको घास ही घास नज़र आएगी, लेकिन पौधे की जो कैनोपी है उसके पास मैं बिल्कुल सफाई करता हूँ और गुड़ाई करवा कर रखता हूँ। गुड़ाई बहुत हल्की कराता हूँ जिससे कि उसमें खरपतवार ना हो, और महीने में एक बार होती है और बहुत कम समय लगता है इस गुड़ाई करने में। तो पानी आपको ड्रिप से देना है ताकि उसमें नमी बनी रहे और खुश्की ना आए। अब मैं आपको बताता हूं कि उसमें खाद क्या दें। बिजनौर से कुछ किसान भाई आए और देखने लगे तो उन्होंने ये पूछा कि ये त्यागी जी ये क्या पड़ा हुआ है, ये जो चारों तरफ है आप देख रहे हैं ना, ये घास था। तो ये मेरे जीवामृत का जो आखिरी का हिस्सा बचता है वो है, और मैंने इन पौधों में अब तक 4 बार 1-1 लीटर जीवामृत डलवा चुका हूँ। अब मैं इसमें जीवामृत नहीं डलवाऊंगा 2 माह तक। अब आपको क्या करना है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक गोबर का खाद नहीं दिया है, तो अगर चाहें इसमें तो आप इसमें 2 से 4 किलो अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद लगा दें इसमें, लेकिन तने से दूर इतनी दूर लगा दें। और इसमें आप अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो जितनी खाद की मात्रा मैंने 165 नंबर वीडियो में बताई थी, जो शायद 10 ग्राम थी या 20 ग्राम थी, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, तो इतना ही यूरिया और इतना ही पोटास आप डाल दें। यूरिया पौधों की वृद्धि को विकास करेगा और पोटास उसको मजबूती प्रदान करेगा। किसान साथियों, अगर आप इतनी मात्रा हर माह डालेंगे पौधे के चारों ओर और फिर पानी देते रहेंगे, तो अगले 6 माह में आप देखना कि आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ होंगे। किसान साथियों, अभी तक का मेरा अनुभव ये रहा है कि पौधे में अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी लेनी है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें ये लीफ माइनर या थ्रिप्स किसी चीज़ का प्रकोप ना हो या कोई सुंडी ना है। जैसे ही नए पत्ते निकलने शुरू करेंगे, मेरे यहाँ देखिए अभी इतनी सर्दी मर में ये पत्ते निकल रहे हैं, देखिए कितने पत्ते निकल रहे हैं आप, ये देखिए कितने पत्ते चल रहे हैं, नए पत्ते, और अगले 15 से 20 दिनों में ये पेड़ पूरा भर जाएगा। किसान साथियों, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें लीफ माइनर और कैंकर का प्रकोप ना हो। किसान साथियों, अभी तक का इनको 6 माह हो चुके हैं मेरे पौधों को लगाए हुए, अभी तक इनमें मुझे कैंकर का कोई भी रोग नहीं दिखाई दिया। जो CCRI वाले वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि NRCC 7 और 8 में कैंकर लगभग नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज़ 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन इनमें कैंकर की बीमारी नहीं आती, इसलिए आप इनके पौधों का सिलेक्शन कर सकते हैं NRCC 7 और 8 का। ये NRCC 7 का पौधा है, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो अब आपको फरवरी से लेकर, अगर आप चाहें तो एक बार थोड़ा 2-4 किलो आप खाद डाल दीजिए, अच्छा सड़ा हुआ खाद होना चाहिए। ध्यान रखना है
कि उसे मिट्टी से अच्छी तरह ढक देना है ताकि कोई वाइट ग्रब वगैरह की दिक्कत नहीं आए। अगर आप गोबर का खाद डालते हैं तो उसमें 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बसियाना अवश्य मिलाएं, जिससे कि कोई भी अगर वाइट ग्रब या दीमक की प्रॉब्लम होगी वो नहीं आएगी। और उसके बाद आप जो है इसमें यूरिया और पोटाश हर माह दे सकते हैं, और देखना कि जून आते आते जैसे ही बरसात शुरू होगी आपके पौधे बहुत अच्छे हो चुकेंगे, क्योंकि जब नौरस का महीना होता है, वसंत ऋतु आती है, तो पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और उसके बाद अगस्त में बारिश में आपके पौधे बहुत बढ़ना शुरू होंगे। ये थी मेरी वीडियो नींबू के छोटे पौधों की देखभाल पर। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।